दोस्तों एक शिप था एमवी रोजर्स जो 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लेके जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था, लेकिन बीच में इंजन में कोई खराबी आने से उसे लेबनान में ही रुकना पड़ा। अब लेबनान पोर्ट अथॉरिटी ने जब इस शिप में पड़े सामान की जांच की तो उन्होंने इसे अनफिट फॉर सेलिंग घोषित कर दिया, जिस वजह से कई महीनों तक ये शिप लेबनान में ही पड़ा रहा। अब इसके कुछ टाइम बाद जो शिप की ओनर कंपनी थी वो डिफॉल्ट हो गई, जिस वजह से ना तो कभी कोई शिप लेने आया और ना ही इसमें पड़ा सामान। टाइम के साथ साथ शिप की हालत खराब होने लगी थी और एक दिन शिप डूबने लगा, जिसे देखकर लेबनान अथॉरिटी ने उसमें से सामान उतारकर पास के वेयर हाउस में रख दिया। ऐसा कर 6 साल बीत गए और एक दिन वेयर हाउस में आग लग गई, जिसमें पूरा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक साथ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इसने 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ला दिया पूरा लेबनान में, और 250 किलोमीटर दूर साइप्रस तक इसके झटकों को महसूस किया गया। इस एक्सप्लोजर को आज तक दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजर कहा जाता है, जिसमें लगभग 218 लोगों की जान गई।